नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। तो एडमिशन और डिस्चार्ज क्या होता है और इस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें नर्सिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, ये आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडमिशन की डेफिनेशन। एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउिंग ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। तो एडमिशन में क्या होता है, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे के लिए अलाउ किया जाता है। और वो क्यों अलाउ किया जाता है, जिससे कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके क्योंकि वो पेशेंट है, उसके इन्वेस्टिगेशन किए जा सकें, जांच की जा सके, उसको उपचार दिया जा सके और उसकी केयर की जा सके। तो ये हो गया एडमिशन। एडमिशन इज़ डिफाइंड एज अलाउिंग पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ पेशेंट इनटू ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक पेशेंट की एंट्री या वार्ड में एक पेशेंट की एंट्री फॉर थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पजेज। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसकी जांच के लिए उसके एंट्री हॉस्पिटल में क्या कहलाती है, एडमिशन कहलाती है। अब पर्पज ऑफ एडमिशन, क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला है टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड यूनिट फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज और कंडीशन। तो जो उसकी कंडीशन है और जो परेशानी है उसके हिसाब से उसको वार्ड या यूनिट में उसको एडमिट करना। दूसरा है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना और सेफ्टी प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, और उसकी इमीडिएट केयर स्टार्ट करना। टू बी रेडी फॉर इमरजेंसी, यदि कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए रेडी रहना। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट सच एज उसकी एड्रेस क्या है, गार्जियन, एनी इंफॉर्मेशन दैट सर्व एज ए बेसिस ऑफ केयर। जैसे कि उसको किसी से एलर्जी तो नहीं है, उसकी कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज़ एस्ट्रेट्सा। टू एस्टेब्लिश नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप जिससे कि नर्सिंग केयर दी जा सके। टू अंडरगो इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट। टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी टू द न्यूली एडमिटेड पेशेंट और इस फैमिली। अब टाइप ऑफ एडमिशन क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के एडमिशन होते हैं। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, जो पेशेंट की कंडीशन है उसके अनुसार एडमिशन क्या क्या हो सकते हैं। इमरजेंसी एडमिशन हो सकता है या फिर रूटीन और इलेक्टिव एडमिशन हो सकता है। तो इमरजेंसी, तो उसकी कोई हालत इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में, और रूटीन में वो नॉर्मली पेशेंट आ रहा है तो रूटीन में उसको एडमिट कर लेते हैं, कोई परेशानी है तो। बेस्ड ऑन द पर्पज़ ऑफ द एडमिशन, क्या पर्पज़ है एडमिशन का। तो थेरेपेटिक है, ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ है, मतलब कि उसको उसकी जांच करनी है। तो ये हो सकता है बेस्ड ऑन पर्पज़ ऑफ द एडमिशन। बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, शॉर्ट टर्म के लिए रुकेगा या लॉन्ग टर्म के लिए रुकेगा, तो उसे लेंथ के अनुसार उसको एडमिशन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो एमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन में आता है वो, रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत होती है, जैसे कि आरटीए मतलब कि कोई ट्रॉमा हुआ है, और पॉइजनिंग है, बर्न है, या फिर कार्डियो और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, इमरजेंसी हैं। तो रूटीन एडमिशन में क्या होगा, इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको एडमिट किया जाता है। ट्रीटमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग द पेशेंट प्रॉब्लम, जैसे पेशेंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटस एक्सेट्रा। अब जिस वार्ड में और यूनिट में पेशेंट को हम एडमिट करेंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो इट इज़ ए प्लेस वेयर द पेशेंट इज़ केप्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाइज द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल। पेशेंट पहुंचता है उससे पहले ही एडमिटिंग जो डिपार्टमेंट है वो यूनिट को या वार्ड को नोटिफाई कर देता है, सो दैट रूम बेड कैन बी प्रिपेयर। एंश्योर्ड पेशेंट प्राइवेसी को इंश्योर करते हैं, वेंटिलेशन चेक करते हैं कि उस यूनिट में वार्ड में वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है। एंश्योर ऑल द इक्विपमेंट आर कंप्लीटेड, प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल। एंश्योर्ड पेशेंट प्राइवेसी, डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट। अब एडमिशन जब करते हैं पेशेंट को तो क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होते हैं, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस उसका, ऑक्यूपेशन, इनकम क्या है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वापस से देखते हैं, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स एंड जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं एडमिशन के दौरान? सडन चेंज और स्ट्रेंजनेस इन द एनवायरनमेंट प्रोड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी, क्योंकि पेशेंट एकदम से उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, हॉस्पिटल में आता है तो उसको एंजाइटी हो सकती है। एंटरिंग द हॉस्पिटल इज थ्रेट टू वंस पर्सनल आइडेंटिटी, पीपल हैव डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट एंड मोड ऑफ बिहेवियर, अलग अलग उनके व्यवहार होते हैं, अलग अलग हैबिट होती हैं। इलनेस कैन बी नोवल एक्सपीरियंस फॉर द क्लाइंट एंड ब्रिंग स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है बीमारी की वजह से, तो उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। एडमिशन प्रोसीजर में क्या होगा? मीट एंड रिसीव द पेशेंट नीड, वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट, चार्ट वेरीफाई करेंगे रिकॉर्ड शीट से, चार्ट से। इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया, ट्रीटमेंट एरिया में उसको असिस्ट करेंगे। आस्क द पेशेंट टू चेंज क्लोथ्स इनटू हॉस्पिटल गाउन इफ़ नेसेसरी, यदि हॉस्पिटल की गाउन उसको पहनाना ज़रूरी है तो वो उसको बोलेंगे। परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूशन प्रोसेस, एस्टैब्लिश बेस लाइन वैल्यूज़ लाइक वाइटल साइंस देखेंगे, उसके हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, कोऑर्डिनेट विद द फिजिशियंस से कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर्स, गिव द ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एज नीडेड। इसके अलावा ओरिएंटेशन करेंगे पेशेंट को, रिलेटिव को, इक्विपमेंट क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट, यूज़ ऑफ कॉल सिस्टम, टेलीफोन कैसे कर सकते हैं, कॉल कैसे कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट का शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब मिलेंगी, विजिटर टाइमिंग क्या होंगे, अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स से उनका परिचय कराएंगे, पॉलिसी और रूल रेगुलेशन क्या है, केयर ऑफ़ द पेशेंट वैल्यूअल्स, जो भी उसके साथ में लेके आते हैं वो वैल्यूअल्स, उनकी केयर। अब है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसेस, में नर्स की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं? तो नर्स शुड डील एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली एंड कर्टियस विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव्स रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसी, और हॉस्पिटल की जो भी चीज़ें उनसे ओरिएंट कराना, जिस वार्ड में है वहाँ से ओरिएंट कराना। Deal with patient carefully who is suffering from communicable disease or illness, isolate if necessary, यदि patient को कोई communicable disease है तो उनको cautiously carefully deal किया जाएगा, और यदि ज़रूरी होगा तो उनको isolate ward में रखा जाएगा, isolate किया जाएगा। Patient valuables clothes should be handed over to relative, जो भी valuables हैं उनके कीमती सामान हैं और उनके कपड़े हैं उनको क्या दे देंगे, रिलेटिव्स को दे देंगे, विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ में। नेक्स्ट आता है मेडिको लीगल केसेस। तो मेडिको लीगल केसेस क्या हैं? व्हेन वेयर बिसाइड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर एसेंशियल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रेजेंट स्टेट कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इसमें पेशेंट बीमार तो है, जैसे कोई इंजरी हो गई है उसको, कहीं पर लगी है उसको, तो उसमें लीगल इशू भी इंक्लूड होता है, क्योंकि वो इंजरी उसको किसने दी है, किस वजह से वो एडमिट हुआ है, वो भी मेडिकल क्षेत्र के अलावा जो लॉ है और लॉ से रिलेटेड जो एनफोर्सिंग एजेंसीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मेडिको लीगल केसेस कहते हैं। A medical legal case is when where beside the medical treatment, investigation by law enforcing agencies are essential to fix the responsibility regarding the present state condition of the patient. अब इसमें medical legal cases में कौन कौन से आते हैं, जैसे एक्सीडेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, RTA, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, इलेक्ट्रिक इंजरी हो गई, पॉइजनिंग, केमिकल इंजरी हो गई, बर्न हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गए, अटेम्प्टेड सुसाइड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, डेथ ड्यू टू स्नैक बाइट की वजह से, एनिमल बाइट की वजह से, ड्रग ओवरडोज, ड्रग अब्यूज़, डेथ ब्रॉट टू द इमरजेंसी, फाउंड डेड, डेथ अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 24 घंटे के अंदर डेथ, विदाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डायग्नोसिस। तो ये सब केसेस किस में आ जाते हैं, मेडिको लीगल केसेस में आ जाते हैं। तो इसमें रोल ऑफ नर्स क्या है? एडमिशन ऑफ मेडिको लीगल केसेस। तो इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना। मेडिकल ऑफिसर विल इन्फॉर्म टू द पुलिस रिगार्डिंग द पेशेंट। नर्स हैज़ टू मेक श्योर द पेशेंट डेथ विद इन 24 आवर ऑफ एडमिशन मस्ट बी रिपोर्टेड। यदि 24 घंटे के भीतर इन केसेस की किसी की डेथ होती है तो पुलिस को रिपोर्ट करें। किसके द्वारा? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा वो रिपोर्ट किया जाए पुलिस में। ऑल द कम्युनिकेशन शुड बी इन द रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए सारा कम्युनिकेशन। डिटेल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जनरल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जब आया उसकी कॉन्शियसनेस क्या थी, वाइटल पैरामीटर्स रिकॉर्डेड शुड बी देयर। इन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। इन केस एनी रिपोर्ट, एक्सरे, फिल्म और इमेज गिवन टू द पेशेंट, ए रिटर्न प्रूफ शुड बी टेकन फॉर दैट। यदि हम कोई रिपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को या फैमिली मेम्बर्स को, एक्सरे, फिल्म दे रहे हैं, तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। व्हेन इट इज़ डिसाइडेड दैट द केस इज़ एमएलसी, तो जब हमें ये डिसाइड हो जाए कि ये मेडिको लीगल केस है, रिकॉर्ड इट ऑन द पेशेंट, फाइल पे रिकॉर्ड करो इसको विद द रेड इंक से रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, तो वो राइट हैंड साइड पे जो टॉप कॉर्नर है वहाँ पर रेड इंक से इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। डू नॉट गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट पेशेंट, कंडीशन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे पुलिस को, मजिस्ट्रेट को और मीडिया को। ओनली डॉक्टर इज ऑथराइज टू गिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज। द पेशेंट, द फैमिली एंड द मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन, ऑल वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। सभी को एक साथ काम करना होता है डिस्चार्ज के लिए। द डॉक्टर प्लान द डिस्चार्ज विद द पेशेंट एंड लीव ए रिटर्न ऑर्डर ऑन द पेशेंट चार्ट। जो पेशेंट की फाइल होता है उस पर वो रिटर्न ऑर्डर डालता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है डिस्चार्ज की? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ए पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल। जो कि एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, उसको जब उसका काम कंप्लीट हो जाए, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस, तो उसको डिस्चार्ज करना। पर्पज़ क्या होता है डिस्चार्ज का? पहला, टू बी सर्टेन दैट पेशेंट हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑन हिज हर कंडीशन, कि उसको पता है कि उसकी कंडीशन क्या है। टू इन्फॉर्म अबाउट द फॉलो अप विजिट और रेफरल टू अदर हेल्थ एजेंसीज, तो उसको यदि हम फॉलो अप के लिए बुला रहे हैं तो उसमें भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और यदि कहीं रेफ़र कर रहे हैं तो वो भी उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। टू टीच द नर्सिंग प्रोसीजर और केयर ही शी नीड एट होम एंड टू टेक रीड डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो या उसकी फैमिली जो नर्सिंग प्रोसीजर करेंगे घर पे, उनको बताना और उनका री डेमोन्स्ट्रेशन लेना। टू प्रोवाइड फॉर सेफ एफिशिएंट रिटर्न ऑफ ऑल पेशेंट्स क्लॉथिंग, उनको जो भी वैल्यूएबल हैं क्लॉथिंग है उनको दे देना। टू चेक दैट ऑल द हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग इन द हॉस्पिटल टू हेल्प मेक द सेफेस्ट अरेंजमेंट पॉसिबल फॉर द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के समय देखेंगे कि सेफेस्ट अरेंजमेंट है या नहीं है। प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर एट होम टू असिस्ट द पेशेंट टू मैनेज सक्सेसफुली द चेंज फ्रॉम हॉस्पिटल एनवायरनमेंट टू होम। टाइप ऑफ डिस्चार्ज कैसे होते हैं? प्लान डिस्चार्ज होता है एक, तो पेशेंट कंप्लीट द इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो सब कंप्लीट कर लिया है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ ही और शी नीड टू नॉट टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक तो प्लान्ड हो गया, एक होता है डामा या लामा। तो इसमें क्या है? डिस्चार्ज या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोलते हैं। इसमें क्या है? जो मेडिकल पर्सन है या डॉक्टर है वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में व्यक्ति पेशेंट जाना चाह रहा है, तो ये होता है डामा। ट्रांसफ़र का मतलब है ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट और हॉस्पिटल। एब्सकॉन्ड का मतलब है एब्सकॉन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना एक तरह से वहाँ से। रेफरल का मतलब है रेफरल फॉर द फर्दर मैनेजमेंट के लिए उनको रेफ़र किया जा रहा है। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट का मतलब है रिक्वेस्ट पे उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, जबकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसको डिस्चार्ज किया जा सके, लेकिन उसको रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से और डॉक्टर ने देखा कि इसका जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है पूरा हो गया, तो वो उसको रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज कर देता है और वापस बुलाता है। फिर डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या है? नर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज प्लानिंग इन द हॉस्पिटल। कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर नर्स यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का यूज़ करती है। अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस। डिस्चार्ज प्लानिंग इज सेंट्रलाइज, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस। सब मिलके जो भी डॉक्टर है, नर्सिंग पर्सनल है, डाइटिशियन है, सब मिलके उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं। एसेंशियल फॉर प्लानिंग डिस्चार्ज के लिए रिटन ऑर्डर होना चाहिए डॉक्टर का, डिस्चार्ज कार्ड होना चाहिए, इंफॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म होना चाहिए, चेक पेमेंट ऑफ द बिल्स, हॉस्पिटल ग्लॉसरीज टेकन बैक, जो भी हॉस्पिटल ग्लॉसरीज दिए हैं वो वापस ले लें, रिटर्निंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी पर्सन की बिलोंगिंग उनको वापस दे दें, अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन डॉक्यूमेंटेशन इसमें होना चाहिए। हाँ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज प्लानिंग, अब क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती हैं डिस्चार्ज प्लानिंग में। इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट बाय क्वालिफाइड पर्सनल, डिस्कशन विद द पेशेंट और हिज रिलेटिव, प्लानिंग फॉर होम कमिंग और ट्रांसफर टू अदर प्लेस, डिटरमाइनिंग इफ केयर गिवर ट्रेनिंग और फॉर अदर सपोर्ट, केयर गिवर की ट्रेनिंग के बारे में डिटरमाइन कर लें कि कर लेंगे नहीं करेंगे, रेफरल टू होम केयर एजेंसी, अरेंजिंग फॉर फॉलोअप अपॉइंटमेंट और टेस्ट के लिए अरेंज करना, इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या होती है, प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज, प्लानिंग कर लें बिगिनिंग में ही, प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन और फॉलोअप नीड्स, टीच nursing procedure to be continued at home, get its practice done, arrangement for transport। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा एडमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।